नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर के चांदपुर इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि शादी से इनकार करने पर प्रेमिका जा पहुंची उसके घर, वो भी घंटों उसने बाकायदा जमकर हंगामेबाजी की। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का है जब पड़ोस का रहने वाला युवक पास की ही लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था और वो जो प्रेमिका थी वो शादी करना चाहती थी। वहीं प्रेमी ने शादी से जब इनकार किया तो मजबूरन जो प्रेमिका थी उसके घर जा पहुंची और उसके बाद उसने घंटों हंगामा किया और शादी की जिद पर अड़ रहे इसको लेकर के इलाके के लोग वहां पर जमा हो गए। बमुश्किल वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पूरे मामले को शांत करा दिया है। अब थाने में दोनों प्रेमी प्रेमिका मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर दोनों की शादी होती है या फिर समझौता। दूसरी खबर बिजनौर के सिहारा इलाके से आ रही खबर यह है कि दलित युवक समाज का एक शख्स धर्म परिवर्तन की जिद कर रहा था और जैसे ही परिवार वालों को और इलाके के लोगों को इसकी भनक लगी, दोनों ने एक पंचायत सजाई। भरी पंचायत में बाकायदा दलित युवक को काफ़ी देर तक बेइज्जत किया गया, शर्मसार किया गया और धर्म परिवर्तन करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसको लेकर के इसी बीच किसी ने बाकायदा मोबाइल के जरिए एक वीडियो बना दी और पंचायत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। इसी दौरान पुलिस के अफसरानों ने जो दलित युवक जो धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस उससे अब गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर दलित युवक समाज का शख्स क्या धर्म परिवर्तन करता है या फिर नहीं। तीसरी खबर बिजनौर कोतवाली शहर से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवार की मौके वारदात पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस के अफसरानों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। साथ ही जवान मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा है और साथ ही परिवार वालों का अब रो रो कर बुरा हाल है। चौथी खबर बिजनौर के सिहारा इलाके से आ रही है। खबर यह है एक जंगल से होता हुआ बारहसिंगा रिहायशी इलाके में जा घुसा और उसी दौरान वहाँ पर आवारा कुत्तों के झुंड ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसका पीछा किया। बमुश्किल जब राहगीर ने देखा तो उसने अपने घर में उसे कैद कर लिया और बाकायदा वन विभाग की टीम को सूचना देकर उसे पकड़वा कर बाकायदा वन विभाग की टीम ने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। पांचवी खबर बिजनौर के कोतवाली शहर से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि एक किसान अपने घर से खेत पर काम कर रहा था लेकिन इसी बीच खेत पर काम करने के दौरान सांप ने किसान को काट लिया। काटने के बाद उसकी हालत बिगड़ी और जो इलाके के लोग थे उन्होंने बाकायदा उसे उठाकर मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हालांकि जो किसान है उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।